माजरा क्या है? ओहो, यहाँ तो आज फिल्म स्टार क्रिकेट मैच होने वाला है, जिसका आंखों देखा हाल राज मेहरा की जुबानी सुनने के लिए। चलिए जरा अंदर चलें। ये आर के फिल्म्स का लहराता हुआ रेशमी झंडा तमाशाइयों और खिलाड़ियों के संगम पर फूला नहीं समाता। ये लीजिए, झंडे का मालिक भी आ पहुंचा। मेरा नाम राजू घराना नाम, और ये रहा उसका जंगली भाई, जो सिर्फ तमाशा देखने ही नहीं बल्कि भाई के मुकाबले में खेलने के लिए आया है। शशि कपूर और आशा बारिश भी आ पहुंचे, और जॉय मुखर्जी, जॉनी वॉकर और विजय कुमार, राजेंद्र नाथ और आईएस जौहर, ओम प्रकाश ऋषि और उसका भाई आगा जान, और इस परियों की टोली में जबीन और वहीदा रहमान, शोभा खोटे, जयराज और दिलीप राज, हजरत मुकरे, हरीश शिवदेसानी, लीला नायडू, केन सिंह और उनका परिवार, राम कमलानी, मनोज कुमार, सुरेश, प्राण, पीत कमल, राजेंद्र कुमार और राजकुमार, फिल्म फंक्शन से कभी समाते, खिलाड़ियों का मार्च पक्षीन का कप्तान है। ये तो शम्मी कपूर है, तो कप्तान तो दिलीप कुमार है, मगर वो हजरत हैं कहाँ? वाह वाह, अपनी टीम के साथ साथ राज कपूर किस शान से चला आ रहा है। उसकी टीम के खिलाड़ियों में म्यूजिक डायरेक्टर जयकिशन भी शामिल है, जिसे अपनी बॉलिंग पर उतना ही नाज है जितना अपने संगीत पर, और आज इससे कहीं ज्यादा फिल्मी दुनिया को इस अनोखे मैच पर नाज है, जो सिर्फ हमारी और आपकी दिलचस्पी के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंद फिल्म वर्कर्स की इमदाद के लिए लाखों रुपए जमा करने का एक जरिया है। जिंदाबाद फिल्मी सितारे, जिंदाबाद फिल्म फंक्शन कमेटी। कमेटी के दो मेंबर डेविड और मनमोहन कृष्ण हस्त दस्तूर माइक्रोफोन पर मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार हैं। मगर मैच शुरू क्यों नहीं होता? खिलाड़ी हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं? ओ, ये बात है, बारात तो हाजिर है मगर दूल्हा मियां गायब। दूसरी टीम का कप्तान दिलीप कुमार अभी तक नहीं आया। लोगों का इंतजार बढ़ रहा है और खिलाड़ियों की बेचैनी, पता नहीं ये इंतजार की घड़ियां कब खत्म होंगी। हाँ, आखिर गंगा आ ही गया, लाखों दिलों की कटक दिलीप कुमार के रूप में स्टेडियम में दाखिल हुआ, और चौधरी के चल चेहरा भी कमकमा उठा। खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई और सबने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। दोनों अंपायर मैदान में आ पहुंचे, खेल सिक्का हवा में उछाला गया, जमीन पर गिरा और राज कपूर ने टॉस जीत लिया। नंदा ने बेख्तियार ताली बजाई मगर शर्मा के रहे, इसलिए कि टॉस जीत कर भी राज कपूर ने मुखालिफ टीम को पहले खेलने का मौका दिया। राज की टीम फील्डिंग के लिए दाखिल हो रही है, विकेट कीपर का काम कमेडियन मारुति को सौंपा गया। दिलीप की टीम के खिलाड़ी आगा और विजय कुमार खेलने के लिए आ रहे हैं, जरा इनकी चाल मुलाहिजा। कॉन्ट्रैक्टर और जय सिंह से बिल्कुल मिलती है, तो दोनों ने अपनी अपनी क्रीज संभाली। राज कपूर ने बॉलिंग शुरू की और आगा जान की पहली हिट के साथ खेल शुरू हो गया। दूसरी तरफ से जय किशन मैदान में उतरा और विजय कुमार की तरफ पहली गेंद फेंकी, मगर बेसुध। अगर गेंद का मैदान गर्म हो गया, अब राज कपूर ने गेंद फिर अपने हाथ में ले ली और चंदू बोर्डे के अंदाज में इस तरह घुमा के फेंकी कि आगा जान चारों शाने चित। करीब था कि वो आउट कर दिया जाता, मगर मस्खरा आगा जान यहाँ भी अपनी मस्खरी से बाज न आया। वो खुद तो बाहर है मगर उसके टांग देवर भी बदले, अपनी बॉलिंग के नाम पर कलंक का टीका लगते देख कर एक ऐसी गेंद फेंकी कि विजय कुमार आउट हो गया। जयराज ने उसकी विकेट को ठीक किया,
प्राण अपने बल्ले के करतब दिखाने आ पहुंचा और एक ऐसी हिट लगाई कि बॉल के पीछे जमीन को भागना ही पड़ा। खेल के मैदान में प्राण पूरी तरह जम गया, मगर गेंद और बल्ले की बढ़ती हुई तकरार ने आखिर एक दूसरी करवट ली और प्राण आउट हो गया। निरूपा राय चौकी और देखते ही देखते प्राण अपनी टोली की तरफ जाता नजर आया। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और उसके साथ ही उन्होंने आने वाले खिलाड़ी को भी देखा, जिसे खुद टीम का कप्तान खेल के मैदान तक छोड़ने आ रहा था। आईएस जौहर बॉलिंग के जौहर दिखाने की तैयारी कर रहा है। उसने गेंद फेंकी, महिदा ने हिट लगाई और नंदा गेंद के पीछे भागी। ये नजारा बीना राय ने भी देखा। अरे ये जौहर को भला क्या सूझी है, गेंद फेंकने के लिए बाउंड्री से स्टार्ट लेना कहाँ का दस्तूर है, मगर गेंद अभी उसके हाथ में ही थी कि उस क्रीज तक पहुंचने से पहले ही वो गिर पड़ा। आशा की फेंकी हुई गेंद वहीदा के बल्ले से टकराई और परवीन ने जो काम जौहर ने कर पाया वो आशा पारिक ने कर दिखाया। वहीदा के बाद निरूपा राय की बारी आई। शोभा खोटे ने निरूपा राय की तरफ गेंद फेंकी, निरूपा ने हिट लगाई और थोड़ी देर के लिए जम गई। अब जॉय मुखर्जी की बारी है। बल्ला हाथ में लिए वो किस शान से चला आ रहा है। तीन गेंद के पीछे भाग गया। अभी भट्टाचार्य और दीप खोसला ने डाल दिया, मगर क्रिकेट के मैदान में कोई ना कोई है। एक शमी कपूर के खेल पर उन्हें हम फिर कहना ना थे। कोई मुझे जंगली कहे, मगर बेचारा शमी जैक और श्यामा अपना समूह लेकर रह गए। कि मेरी बारी आई। दिलीप कुमार कैमरे वालों ने और प्रेस रिपोर्टर्स ने उसका रास्ता रोक दिया। लोगों की तालियों ने आसमान सर पर उठा लिया और क्रीज पर आने के बाद अन्य बॉलिंग शुरू की और देखते ही देखते ही फिल्मी गंगा जमुना का गंगा हिट पर हिट लगाया जा रहा है। आखिर जय किशन की बॉलिंग काम आई और उसके फेंके हुए बॉल ने जॉय मुखर्जी की विकेटों का मुंह चूम लिया। लीला नायडू कुलदीप को सुवेनियर बेच रही है। प्रेमनाथ ने हिट लगाए, बीना राय ने दूरबीन के जरिए देखा। दूसरी तरफ से राज कपूर ने गेंद फेंकी, दिलीप ने हिट लगाई और चौका लगाया। मगर ये जादू बहुत देर नहीं चला। जय किशन की गेंद पर दिलीप ने हिट तो लगाई